Friends, subscribe the channel, press bell icon and get more updates. अरे सतीश, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? इतना टेंशन में क्यों है? यार प्रफुल्ल, घर की बहुत याद आ रही है, इंडिया की बहुत याद आ रही है, यहाँ सब कुछ है, but I'm missing my family. मॉम का प्यार, डैड की वो गालियाँ, यहाँ सब कुछ है लेकिन घर का कोई सदस्य नहीं है. यार सतीश, तुझे होम सिकनेस हो गया है. अमेरिका में आए नए नए लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है. तुझे भी हुआ था क्या? ऑफ कोर्स यार, मैं भी इंसान हूँ और मुझे तो होम सिकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी. देन हाउ डिड यू ओवरकम इट? सुन, एक बहुत अच्छी चीज है जिसे लेने से होम सिकनेस दूर हो जाती है. हम सब अपने दुखों को भूल जाते, किसी की याद नहीं आती, अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं. अरे यार तू प्लीज मुझे भी बताना क्या चीज है वो, प्लीज. अरे धीरे से बोल, चिल्ला मत. ये ले, ये सिगरेट. मैं सिगरेट नहीं पीता. आराम से बोल, आराम से. ये कोई ऑर्डिनरी सिगरेट नहीं है. तो फिर ये क्या है? जन्नत है, जन्नत. जन्नत? अरे पागल, ये मैरुवाना है. इसके दो कर्श और होम सिकनेस क्रश. तू स्वर्ग पहुंच जाएगा. पर ये तो प्रोहिबिटेड है ना? अरे एडन के गार्डन में भी एप्पल्स प्रोहिबिटेड थे ना, फिर भी आदम ने खाए के नहीं. हाँ हाँ, तो बस इसके दो कष्ट ले और होम सिकनेस दूर कर दे. और हाँ, सभी दुखों की दवा फ्री में नहीं आती. चल $20 निकाल. तू ले लेना $20. आराम से, आराम से. मजा आ रही है ना? और बोल. वाह यार, वाह प्रफुल्ल, क्या चीज दिलाई है तूने. इसको पीने के बाद तो मेरी होम सिकनेस जैसे छू सी गई हो. और क्या लग रहा है? और तो ऐसा लग रहा है ये पीने के बाद कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है. मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है. हेलो बॉयज, व्हाट्स गोइंग ऑन?
कुछ नहीं सर, बस इंडिया में मोदी राज और अमेरिका में ट्रंप राज चल रहा है। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? क्या पी रहे थे? कुछ नहीं सर, इट वाज जस्ट अ सिगरेट सर। अभी पता चल जाएगा तुम्हारी सिगरेट में मैरिजुआना तो नहीं है। नहीं सर, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे चर्सी नहीं है। ये मैरिजुआना ही है, समझे? चलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगा, प्लीज सर। सर मैं तो कभी भी नहीं पीता सर, ये तो इसने फोर्स किया, इसने जबरदस्ती पिलाया सर। कहना है पुलिस स्टेशन जाकर कहना। चलो सर प्लीज, सर प्लीज बात तो सुनिए सर मेरी, प्लीज सर। अरे सतीश कहाँ जा रहा है? इंडिया जा रहा है। हाँ, डैड का कॉल आया था। हाँ, कहाँ दो हफ्तों की छुट्टी है तो इंडिया आके सबको मिल ले। अरे भाई पर एक बात बता, इंडिया में मैरिजुआना कहाँ मिलेगा? भाई तूने ऐसी आदत लगा दी है ना कि अब इसके भी घर रहा ही नहीं जा रहा। दोस्त इतना चिल्ला कर मत बोल, याद है ना उस दिन उस ऑफिसर ने हमको पकड़ लिया था और वो जज के सामने खड़ा कर दिया था। पर प्रफुल वो जज कितना अच्छा था ना। हाँ, उसने हम दोनों को वार्निंग देके छोड़ दिया। पर एक बात बता यार, इसकी आदत जो पड़ गई है उसका क्या? घबरा मत, अहमदाबाद में मेरा कांटेक्ट है, वहां से तुझे ये चीज मिल जाएगी। और हाँ, तुझे मैं एड्रेस भी फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चल $100 निकाल, पहले के 20 और अभी के 100। हाँ, खाते में लिख ले। मिस्टर सतीश, आप अमेरिका में पढ़ते थे और अभी वापस पढ़ने आए हैं? यस मैम, मेरे पास वैलिड F1 स्टूडेंट वीजा है। वो तो दो हफ्ते की छुट्टी थी, इसके लिए मैं फैमिली को मिलने इंडिया गया था। आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते थे? कुछ नहीं मैम, मैं बस पढ़ता था। मैं यहाँ कोई इलीगल जॉब नहीं करता। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन आप यहाँ मारिजुआना लेते थे। मैम इट वॉज जस्ट वंस, वो बस एक ही बार मैंने लिया था। झूठ बोल रहे हैं। आपको और आपके फ्रेंड को मारिजुआना पीते हुए यहाँ की पुलिस ने पकड़ा था। आपकी मेडिकल टेस्ट भी हुई थी, उसमें पता चला था कि आप कई बार इस ड्रग का सेवन करते थे और जज साहब ने आपको वार्निंग भी दी थी, राइट? यस मैम, जज साहब ने हमें वार्निंग देके छोड़ दिया था। वार्निंग देके छोड़ दिया था। यू आर अ ड्रगिस्ट और मैं आपको अमेरिका में प्रवेश नहीं दे सकती। मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम जज साहब ने मुझे सजा नहीं दी थी, मुझे छोड़ दिया था। मैम मेरे पास F1 स्टूडेंट वीजा भी है। मैम मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैम मैंने इस यूनिवर्सिटी की सारी फीस भी भर दी है। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम। आई एम सॉरी। प्लीज मैम, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर अमेरिका। प्लीज मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर अ ड्रगिस्ट, गो बैक टू इंडिया। प्लीज मैम, प्लीज सॉरी। दर्शक मित्रों, अमेरिका के कई स्टेटों में अभी मारिजुआना लीगल है, लेकिन आप अगर ऐसे व्यसन से दूर रहे तो ये अच्छा है। क्या जाने कौन से स्टेट में वो लीगल है, कौन से स्टेट में लीगल नहीं है, और अगर आप पकड़े गए तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और स्टूडेंट्स को तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। और पता है, अगर आप मारिजुआना पीते हुए पकड़े गए और जज के पास आपको खड़ा कर दिया
तो जज आपको वार्निंग देके छोड़ देगा, लेकिन आपने गुनाह किया है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब आप अमेरिका के बाहर जाएंगे और वापस लौटेंगे तो आपको अमेरिका में आने नहीं देंगे। तो ऐसी चीजों से तौबा करो, मारिजुआना मत पियो। और दर्शक मित्रों, आप हमारे ये एपिसोड यूट्यूब पे देखते हैं जिसमें हम आपको अमेरिका के वीजा के बारे में जानकारी देते हैं, वो जानकारी हम आपको फ्री में देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल में जानकारी चाहिए, हमें कंसल्ट करना हो, तो ऑब्वियसली आपको हमारी कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, और हम लोग प्रोफेशनल है, मैं एक एडवोकेट हूँ, आपको पूरी कायदा की एक जानकारी दूंगा, लेकिन फीस भी देनी पड़ेगी। तो टेंशन मत लेना, कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं हूं ना। आपको अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर ईमेल एड्रेस पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।